हरियाणा सरकार की तीर्थ दर्शन यात्रा योजना पर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। योजना को लेकर तीन राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए। शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर अब निशाना साधा। सीएम शिवराज ने अरविंद केजरीवाल की उस सोशल मीडिया पोस्ट को भी शेयर किया है जिसमें दिल्ली सीएम ने दावा किया था कि पूरे देश में तीर्थ दर्शन योजना अब तक सिर्फ दिल्ली में चल रही थी। दरअसल आपको बता दें कि इस सियासी जंग की शुरुआत तब हुई जब 4 नवंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बनाई है और उसके तहत प्रदेश सरकार 60 साल की से ज्यादा उम्र के लोगों को अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, अमृतसर और पटना साहिब जैसे तीर्थ स्थानों की मुफ्त रेल यात्रा करवाएगी। तो ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की योजना पर पोस्ट किया गया तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, तीर्थ दर्शन यात्रा योजना को लेकर अब लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है जहां पर तीन सीएम आमने सामने हो गए हैं। शिवराज सिंह ने जहां पर अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया पर करारा जवाब दिया, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से घमासान यहां पर इस योजना को लेकर मचा हुआ है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दो दिन पहले लिखा गया था कि हरियाणा सरकार की तरफ से एक नई योजना शुरू की गई है पिछले दिनों, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। इस योजना के जरिए जितने भी तीर्थ स्थल है उन तीर्थ स्थल तक जो प्रदेश सरकार है मुफ्त यात्रा करवा रही है और कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता उनको अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी इस योजना का लाभ उठाई। पिछले दिनों इस योजना के तहत चाहे हम अयोध्या की बात करें वहां पर भी तीर्थयात्रियों को ले जाया गया था। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया और कहना कि उनकी तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा गया और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि जो ये तीर्थ यात्रा योजना है मुख्यमंत्री की, ये योजना सबसे पहले दिल्ली में चल रही थी, दिल्ली सरकार की तरफ से ये योजना की शुरुआत की गई थी। इस पर फिर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी तरफ से ट्वीट किया गया, उनकी तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा गया। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया कि अरविंद जी झूठ के अपने शीश महल से बाहर आई और आंखें खोल कर देखिए जब आपका अस्तित्व नहीं था, ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया। तब से मध्य प्रदेश में ये योजना चल रही है और इस योजना के तहत जो बुजुर्ग है बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवाए जा रहे हैं और ये योजना की शुरुआत बीजेपी सरकार ने 2012 में की गई थी। ये बात सोशल मीडिया पर फिर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लिखी गई, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा गया। तो अब कहीं ना कहीं तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं आमने सामने, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से इस योजना को लेकर जब सोशल मीडिया पर कहा गया और लोगों से बुजुर्गों से अपील की गई कि इस योजना का लाभ उठाई और हम तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, तो साथ ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो ट्वीट किया गया उस पर शिवराज सिंह चौहान ने ये तक लिखा कि जो मध्य प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार अब जो ये यात्राएं हैं तीर्थ यात्राएं हवाई जहाज से भी करवा रहे हैं, यानी जो बुजुर्गों को जो तीर्थ करवाए जा रहे हैं इस योजना को लेकर कहीं ना कहीं तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तो एक तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ही समर्थन किया गया, उनकी तरफ से कहा गया कि इस योजना की शुरुआत बीजेपी सरकार की तरफ से की गई थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। योजना को लेकर तीन राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। तीर्थ दर्शन यात्रा योजना को लेकर अब सियासी घमासान लगातार जारी है। आपको बता दें कि योजना को लेकर तीन राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल पर सोशल मीडिया पर निशाना साधा है। योजना को लेकर यहां पर लगातार सियासी घमासान जारी है। शिवराज सिंह चौहान ने अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया है सोशल मीडिया पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री के समर्थन में आए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान।